वहीं देश भर में उत्साह के साथ आज ईद मनाई जा रही है। सुबह से ही लोग अलग अलग जगहों पर ईद की नमाज अदा कर एक दूसरे को मुबारकबाद देने में लगे हुए हैं। ईद पर दिल्ली की जामा मस्जिद में खूब रौनक नजर आई। हमारे संवाददाता मालिक अश्सन ने जामा मस्जिद पर ईद की चहल पहल का जायजा लिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज अभी खत्म हुई है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मस्जिद के आंगन में लोगों की जबरदस्त भीड़ है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी ईद की नमाज अदा की है और अब ये घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ से घरों को जाने के बाद ईद मनाने का सिलसिला शुरू होगा। लोग एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, मुबारकबाद देंगे और आज ईद की नमाज के बाद हमने देखा कि लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी, एक दूसरे के साथ त्यौहार की खुशियाँ बांटी और उनके चेहरों पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही मुस्कान साफ देखी जा सकती थी। सबसे गले मिलते हैं, खुशियाँ होती हैं, तो रिश्तेदारों वगैरह के जाते हैं, दावत होती है और बहुत खुशी होती है हमें इस त्यौहार से। ईद मुबारक। इट्स रियली नाइस दिस ईयर ईद बिकॉज द क्लाइमेट इज रियली नाइस एंड द एम्बियंस इन जामा मस्जिद इज वेरी एनचेंटिंग एज यूजुअल। ईद को आगे बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम नमाज पढ़ के घर जाएंगे, फिर हमें ईद ही मिलेगी, फिर बहुत मजा आएगा। हम बहुत सारी खुशियाँ बांटते हैं, अपने रिश्तेदारों में जाते हैं, अपने दोस्तों में जाते हैं, अपने जहाँ पर सब जाके ईद मिलते हैं और वहाँ खुशियाँ मनाते हैं। माई नेगेटिव प्लेस इन तमिलनाडु स्टेट एंड आई विल कम टू द दिल्ली फर्स्ट टाइम इन मस्जिद एंड फेस्टिवल इज वेरी ब्यूटीफुल, ऑफ पीपल आर वेरी नाइस। कोई भी हो, यहाँ सब मिलकर एक साथ नमाज अदा करते हैं, मोहब्बतों को आम करते हैं और गले मिलकर अपने जो भी देशवासी हजरात हैं उन सब के लिए ये बेहतरीन पैगाम को पेश करता है। Everyone here is very happy. We are celebrating Eid Mubarak together, as well as you can see everyone here, male and female come together right here. So we are so happy, we are so excited about it. Eid ek tarike se mohabbat aur pyar ki ek festival hai. Jo yahan ka khana ho, peena ho, sab logon ko ghar ghar jana, milna ho, ye sab cheez Eid ki importance ko sikhati hai. आप सबको ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक।